अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए जो डिश लाई हूँ वो है चिकन और आलू का सालन। वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, आप देख सकते हैं मैंने कितने कम इंग्रेडिएंट लिए। बस मेरे पास यहाँ पर चिकन है 300 ग्राम और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और आधा किलो प्याज है, और बाकी के जो पाउडर मसाले मैं आपको डालते वक्त बता दूँगी। तो यही इंग्रेडिएंट में मैं आपको आज चिकन और आलू का सालन शोरबा या सालूना भी जिसे कहते हैं, मैं आपको वो बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्द से जल्द ये बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है कि मैं कुकर में बना रही हूँ, इसलिए जल्द से जल्द बन जाएगा ये सालन। तो आप चाहे तो इससे कोई भी डिश में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा चाहिए, थोड़ा तरी वाला सालन होगा तो टेस्टी बनता है। मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ, जिसमें है लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और दगड़ फूल जिसे कहते हैं पत्थर का फूल, और बस मैंने ये डाला है। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इस तरह से ये थोड़ा लाइट पिंकिश कलर या फिर लाइट ब्राउन कलर हो जाए उतना ही इसे फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें। ये और साथ ही मैं अब ये चिकन लेके डाल दूंगी। नमक डाल रही हूँ, आप अपने मज़े के हिसाब से नमक ऐड करिए। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 3 टीस्पून, धनिया पाउडर की क्वांटिटी मैं थोड़ी ज़्यादा रखूँगी कि मैंने आपको बताया मैं इसमें ज़्यादा कोई मसाले इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो थोड़े पाउडर मसाले की क्वांटिटी यानी सिर्फ ज़्यादातर धनिया की जो क्वांटिटी है वही ज़्यादा होगी। अगर चिली पाउडर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। बस इसे अब थोड़ा सा मसालों के साथ भून कर, तो इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। इसका कांदा सॉफ्ट हो जाए इसलिए मैं इसे कुकर में 1 सीटी लगा लूँगी। बस इसे 1 ही सीटी लगाना है। ये देखिए 1 विसल आते ही मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। मुझे चिकन को अच्छी तरह से गलाना नहीं है, मुझे बस इसका प्याज सॉफ्ट करना था। अब इसमें पानी मौजूद है तो मैं अब इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो अब इसे फास्ट आँच पर यानी फास्ट फ्लेम पर इसे इसका पानी सूख जाए, अच्छी तरह से ये इसका मसाला भून जाए उतना इसे भूनना है। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला भून गया है, सारा पानी जो था एक्सेस वाटर वो भी सूख गया है, और जो इसका प्याज था वो भी एकदम अच्छी तरह से एकदम देखिए घुल गया, एकदम अच्छी तरह से ये घुल गया है प्याज। तो अब इसे थोड़ा और मैं भूनूंगी। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा दही यानी कि आधा कटोरी या फिर आप कह सकते हैं 2 टेबल स्पून दही मैंने इसमें डाला है।
ये मैंने इसलिए अभी डाला है क्योंकि मैंने दही पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब अगर मैंने शुरू में दही डाल दिया होता था तो ये जो प्याज है ना ये अच्छी तरह से इस तरह से सॉफ्ट नहीं होते थे दही की वजह से, इसलिए मैंने प्याज को पहले गला लिया और उसके बाद में जब प्याज गल गया तो मैंने दही डाला है। तो आप भी याद रखिए इस चीज़ को कि अगर आपको प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है तो दही, या फिर टमाटर भी अगर आप डालते हो तो थोड़ा प्याज को सॉफ़्ट होने के बाद में डालिएगा क्योंकि उसमें जो खटास होती है उसकी वजह से प्याज थोड़ा टाइम लेता है सॉफ्ट होने के लिए। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है, तेल भी बहुत अच्छी तरह से सेपरेट हो गया। तो अब मैं इसमें जो ये आलू मैंने छील के रखे थे मैं वो आलू इसमें ऐड कर दूंगी। 10 से 15 सेकेंड तक का मैं ये मसालों के साथ में आलू को भी भून लूँगी। बहुत इजी है ये सालन और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये सालन बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनता है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बस इसे थोड़ा सा और भूनकर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। आप आपके क्वांटिटी के मतलब आपको कितना गाढ़ा चाहिए कितना पतला चाहिए वो हिसाब से सालन इस पानी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें आलू जो है वो भी पानी खींचेगा, तो वो हिसाब से पानी इसमें ऐड करिएगा। इसी तरी आ गई है इसके ऊपर और आलू और सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून गए हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप इस टाइम पर नमक चख लीजिए अगर नमक कम ज़्यादा हो क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा नमक और पानी खींचते हैं, तो वो हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करिए। और अब मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद करके बस 1 सीटी आने दूंगी और इसे फिर 1 सीटी आने के बाद 5 मिनट तक का स्लो आँच पर मैं कुकर को बंद करके ही मतलब गैस पे पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद में गैस को बंद करके जब इसकी भाप निकल जाएगी तो फिर मैं इसका कुकर का ढक्कन खोल दूंगी। तो ये देखिए सालन, आलू और चिकन का सालन बन के रेडी हो गया है। तरी वाला सालन है ये बिल्कुल, और बहुत ही लाइट होता है ये सालन, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आप चाहे तो इसे ज़ीरा राइस या फिर तंदूरी रोटी या फिर घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये कोई भी चीज़ के साथ में अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह हाफिज़।